आदाब साथियों, आज के लेक्चर का मौजू राजेंद्र सिंह बेदी की अफसाना निगारी है। इस लेक्चर में हम बेदी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के साथ साथ उनकी दिगर अहम इल्मी और अदबी खिदमात का भी जायज़ा लेंगे। बेदी की तख्लीकात की बेहतर तफहीम के लिए उनकी अफसाना निगारी के अलावा दीगर इल्मी अदबी और पेशावराना मसरूफियतों के बारे में भी हम यहाँ पर इजमाली तौर पर बात करेंगे। आप जानते हैं कि मतन को अलग तौर पर यानी कि मुसन्निफ़ का जो पस मंज़र है उससे अलहदा करके पढ़ने का की नई थीरी आ गई है और इसका एक चलन है हमारे यहाँ। लेकिन तख्लीकात की बेहतर तफहीम में फ़नकार की ज़िंदगी से वाकिफियत की अहमियत को भी बराबर तस्लीम किया जाता रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर अदब ज़िंदगी का आईना है जैसा कि हम कहते हैं, तो इस आईने में फ़र्द यानी फ़नकार की ज़िंदगी, उसकी पसंद व नापसंद और उसकी तरजीहात गैर महसूस तरीक़े से उसकी तहरीरों में आ जाती हैं। इसलिए मुताले का वो तरीक़ेकार जिसमें फ़नकार की ज़िंदगी के नकूश की शनाख्त शामिल हो उसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। प्रेमचंद के बाद जिस नस्ल ने उर्दू अफसाने की आबियारी की उसमें बेदी एक अहम मकाम रखते हैं। उस नस्ल में बेदी के अलावा जो अहम अफसाना निगार शामिल थे वो हैं मंटो, कृष्णचंद्र, इसमें चौथाई, अहमद नदीम कासमी, हयातुल्ला अंसारी और मुमताज़ मुफ्ती। इन अफसाना निगारों के नाम आप गिना सकते हैं जब आपको ये बताना हो कि प्रेमचंद के बाद जो नस्ल सामने आई थी अफसाना निगारों की, उनमें कौन से अहम अफसाना निगार थे। जिन अफसाना निगारों का मैंने नाम लिया है उनमें से हर एक का अपना मखसूस मैदान है जिसमें उसने अपने तजर्बात व मुशाहदात पेश किए हैं। प्रेमचंद के बाद मंटो, कृष्णचंद्र, बेदी और इसमें चौथाई वो अहम अफसाना निगार ठहरते हैं जिनकी तरफ हमारी नज़र फौरन जाती है। इन अफसाना निगारों ने उर्दू अफसाने को मुख्तलिफ सतहों पर मुतासिर किया है। वो आप फ़िक्र की बात कर लें या फ़न की बात कर लें या फिर तकनीक के लिहाज से देखें, उन्होंने उर्दू अफसाने के मेयार को और उसके कद को गैर मामूली तौर पर बुलंदी अदा की है। यह अफसाना निगार किस्से कहानियों के क्लासिकी सरमाए यानी कि दास्तानों से और तमसीली कहानियों से वाकिफ थे और साथ ही साथ कहानी की जो जदीद शक्ल है यानी कि नावल, उससे भी आगाह थे, बल्कि इनमें से कई तो नावल निगार भी थे। आज मैं आपसे जिस अफसाना निगार के बारे में गुफ्तगू करने वाला हूँ उसका नाम राजेंद्र सिंह बेदी है। बेदी 1 सितंबर 1915 को लाहौर में पैदा हुए। वालिद का नाम हीरा सिंह था और वो लाहौर के सदर बाज़ार के डाकखाने में पोस्ट मास्टर थे। वालिदा सेवा देवी हिंदू ब्राह्मण ख़ानदान में पैदा हुई थी। लफ्ज़ बेदी या वेदी वेद से बना है। वेद को अपनाकर ग्रंथ वेद को अपना ग्रंथ मानने वाले लोग बेदी कहलाते हैं और खत्री होते हैं। बेदी की जो शुरू की तालीम है उसका सिलसिला भी अजीब और गरीब है। तालीमी ज़िंदगी का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि घर में ही शुरू की पूरी पढ़ाई होती है। सेहत बचपन से ही ख़राब थी और उस पर सितम यह हुआ कि उनकी विलादत के बाद से उनकी वालदा की सेहत भी ख़राब रहने लगी। माँ के पास बैठकर गीता सुनते, लोग उनको गीता पढ़ के सुनाते थे। गीता है, रामायण है और महाभारत, इस तरह की जो एपिक्स हैं, लेजेंड्स हैं, जो एपिक्स हैं उनको सुनाए जाते थे और वो वहाँ बैठे रहते तो सुनते थे। खुद बेदी के जो वालिद हैं वो बीमार बीवी की तबीयत बहलाने के लिए 1 पैसा योमिया के किराए पर बाज़ार से किताबें लाते, नावल लाते और उनको पढ़कर सुनाते। इसका नतीजा ये हुआ कि बेदी को किताब और किस्से कहानियों से दिलचस्पी पैदा हो गई
और इस तरह हम देखते हैं कि स्कूल जाने की उम्र तक आते आते बेदी किस्सा नवीसों से भी वाकिफ हो गए हैं और उनके अंदर कुतुबीनी का एक शौक़ पैदा हो गया है। कुतुबीनी से उनकी ऐसी दिलचस्पी पैदा हुई कि उनके चचा ने जब एक प्रेस ख़रीदा तो साथ ही साथ कुछ 5,000 5 या 6 हज़ार के आसपास किताबें उन्हें मिली थी। तो बेदी ने प्राइमरी से मिडिल आते आते वो सारी किताबें पढ़ डाली। इंटरमीडिएट में पहुँचे कि वालदा का इंतकाल हो गया, बीए में दाखला भी लिया लेकिन वालिद ने उसी साल मुलाजमत से इस्तीफ़ा देकर उन्हें पोस्ट ऑफिस में क्लर्क के तौर पर मुलाजिम करा दिया। और इस तरह जो बेदी का तालीमी सिलसिला था वो यहाँ आकर रुक गया। 1934 में 19 बरस की उम्र में सुमावती से शादी हुई। 1943 में डाकखाने की मुलाजमत से इस्तीफ़ा देकर 6 माह तक दिल्ली में सरकारी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से वाबस्तगी अख्तियार की। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में बतौर आर्टिस्ट काम शुरू किया। 1946 में संगम पब्लिशिंग हाउस के नाम से एक इशाअती अदारा पब्लिशिंग हाउस था उसे कायम किया। तालिबे इल्म के ज़माने से ही हम देखते हैं कि उनमें चूँकि उनकी जब हम अवाइल ज़िंदगी की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि वो बचपन से ही रज़मियें दास्तान सुन रहे थे, नावल सुन रहे थे, कहानियाँ सुन रहे थे। तो शेर व सुखन की तरफ, अफसाने की तरफ उनकी तबीयत शुरू से ही मायल हमें दिखाई देती है। 1930 में मोहसिन लाहौरी के नाम से नज़में, गज़लें और अफसाने लिखे उन्होंने। पहले अंग्रेज़ी में लिखते थे, फिर पंजाबी में लिखते थे। तो अंग्रेज़ी और पंजाबी में वो पहले से लिखते थे लेकिन बाद में अपने क़ारीन का दायरा बढ़ाने के लिए, हल्का बढ़ाने के लिए उन्होंने उर्दू में भी लिखना शुरू कर दिया। 1933 में उनका अफसाना भोला शाया हुआ था। अदब लतीफ़ लाहौर के एजाज़ी मुदीर भी रहे। तकसीम के बाद रोपड़, जो कि हिंदुस्तान में पड़ता है, वहाँ चले आए। फिर वहाँ से शिमला आए। 1948 में जम्मू रेडवे स्टेशन के डायरेक्टर हुए। अगले बरस श्रीनगर स्टेशन के एसडी हुए लेकिन उसी साल वहाँ बख्शी गुलाम मोहम्मद, जो कि बहुत बासर आदमी था, उससे इख्तलाफात की वजह से वहाँ से इस्तीफ़ा देकर दिल्ली आए और फिर दिल्ली से मुंबई आए और वहाँ मुस्तकिल क़याम किया। फिल्मी दुनिया के लिए बहुत सारी कामयाब कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं जिसकी तफसील मैं आगे आपको बताऊँगा। 1965 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। 77 में बीवी का इंतकाल हुआ और 5 नवंबर 1978 को फालिज का शदीद हमला हुआ। और हम देखेंगे कि 11 देखते हैं कि 11 नवंबर 1984 को उनकी वफ़ात हो जाती है। लेकिन वफ़ात से पहले ही उन्हें अपने प्यारे बेटे नरेंद्र की हादसाती मौत का सदमा भी बर्दाश्त करना पड़ता है। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे लेकिन बेदी की जो वाबस्तगी थी उस वाबस्तगी में इंतहा पसंदी नहीं थी। डॉक्टर एजाज हुसैन ने ये बात बिल्कुल दुरुस्त लिखी है कि उनके अफसाने गहरी जज्बातियत को पेश करते हैं लेकिन ये जज्बातियत सस्ती और बेरूह नहीं है बल्कि नफ्सियात का तसल्ली बख्श और किसी हद तक मुआशरे की जहनी अबतरी की तस्वीर है। ये जज्बातियत इंसानी हमदर्दी और कायनाती मफाद में तब्दील होकर कारीन को, पढ़ने वालों को अपना हम ख्याल बना लेती है। बेदी के अफसानों का जो माहौल है वो आसपास का माहौल है। वहाँ हमें छोटे मोटे वाक़यात मिलते हैं, आम ज़िंदगी के वाक़यात मिलेंगे, इज़दवाजी ज़िंदगी की पेचीदगियाँ मिलेंगी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो माशी उलझने होती हैं उसके मौजूआत हमें वहाँ दिखाई देते हैं। तो बज़ाहिर सादा बातों को बेदी बहुत मौसर अंदाज में पेश करते हैं। ऐसे दिलनशी पहराए में उसे पेश करते हैं कि कारी उनमें खो जाता है क्योंकि उसे उस कहानियों में अपनी कहानी मालूम होती है,
अपनी दास्तान, मालूम होता है कि उसकी दास्तान बयान की गई है। बेदी के अफसानों का जो पस मंज़र है वो फितरत निगारी नहीं है, बल्कि ख़ास किस्म के रंगीन तखयल से वो पस मंज़र सामने आता है। किरदारों की तहलील उनकी तकमील में बहुत मुआविन होती है। फितरत का सहारा कहीं मिल जाता है, लेकिन ये किशोरी तौर पर वो उसे इस्तेमाल नहीं करते। उसके साथ ही वो अपने कारी को चौंकाते नहीं हैं, बल्कि अंजाम आने से काफ़ी पहले ही कारी को उसका अंजाम मालूम होता है, लेकिन उसको अंजाम की जो कहना चाहिए हैबत ना की है उसको बर्दाश्त करने के वो लायक बनाते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया कि फिल्म और बेदी का रिश्ता बहुत गहरा है, तो इस हवाले से ज़रा तफसील यहाँ पर मुनासिब मालूम होती है। आप जानते हैं कि उर्दू के जिन उदबा और शोरा को फिल्मी दुनिया में इज़्ज़त और क़द्र की निगाह से देखा गया और जिनकी शोहरत का सिलसिला लंबी मुद्दत तक रहा, उनमें बेदी का नाम बहुत अहम है। बेदी ने फिल्मों के लिए मुकालमे भी लिखे, मंजरनामे भी तहरीर किए। 1949 में पहली बार जब वो मुंबई आए हैं तो उनके दोस्त अमर कुमार उन्हें अपने साथ फेमस पिक्चर कंपनी ले गए और वहाँ फिल्मसाज डीडी कश्यप से उनकी मुलाकात कराई। डीडी कश्यप बेदी की कहानियों से पहले से ही वाकिफ थे, तो उन्हें ऑफ़र किया कि 600 रुपये माहवार पर आप मुलाजमत शुरू कर दें। बेदी ने 600 रुपये से इनकार किया और 1000 रुपये उन्होंने मांगे। उस वक्त वहाँ कोई तैयार नहीं हुआ और वो वापस चले आए, मतलब मुंबई में ही रहे, लेकिन जहाँ पर वो अमर साहब के साथ थे उनके पास चले आए। 2-3 दिन के बाद फिर कश्यप ने उन्हें दावत दी और 1000 रुपये माहवार के हिसाब से उन्होंने काम करना शुरू किया। पहली फिल्म बड़ी बहन का मंजरनामा और मुकालमा दोनों उन्होंने तहरीर किए। ये कामयाब फिल्म रही। इसमें गीता बाली, रूप कमल, परान और सुरैया वगैरह ने अहम किरदार निभाए थे। दूसरी जो कामयाब फिल्म थी बेदी की, जिसमें उन्होंने मुकालमे लिखे, वो फिल्म दाग थी, जो 1952 में मंजर-ए-आम पर आई। बंगाली हिदायतकार रामया चक्रवर्ती की हिदायतकारी में ये फिल्म बनी थी। इस फिल्म के जो मरकज़ी किरदार थे वो दिलीप कुमार और हीरोइन थी निम्मी थी। ये फिल्म आम डगर से हटकर लिखी गई थी और बनाई गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। इस फिल्म के बाद बेदी की शोहरत कहना चाहिए कि और उनका एतबार और वक़ार बहुत बढ़ गया। लेकिन बेदी के साथ मामला ये था कि वो फिल्मों के लिए भी लिखते वक्त एक मेयार मलहूज रखते थे और सिर्फ पैसे की गरज से उन्होंने मुकालमे नहीं लिखे। दाग कामयाब हो गई, बड़ी बहन के बाद दाग कामयाब हुई तो उनकी शोहरत बहुत दूर दूर तक फैल गई। मशहूर बंगाली फिल्मसाज बिमल राय, जो उस वक्त देवदास जो है दोबारा बनाना चाह रहे थे, उन्होंने मुकालमा निगारी का काम बेदी को दिया। बेदी ने इस फिल्म के लिए उम्दा मुकालमे लिखे। जब फिल्म सामने आई तो अवाम खवास ने बहुत पसंद किया। बिमल राय की ही डायरेक्शन में, उनकी ही हिदायतकारी में फिल्म मधुमति बनी। इसके मुकालमे भी बेदी ने लिखे। ये एक रूमानी फिल्म थी जिसमें बेदी ने अदबी मेयार को बरकरार रखा। इसी फिल्म के डायलॉग के लिए बेदी को फिल्म फेयर बेस्ट डायलॉग अवार्ड से नवाजा गया। बेदी ने बिमल राय के अलावा ऋषिकेश मुखर्जी के लिए भी कहानियाँ लिखी और बेदी ने उनके लिए बल्कि 10-12 कहानियाँ लिखी, जिनमें अनुराधा, अनुपमा और सत्यकाम जैसी कामयाब फिल्में शुमार होती हैं। फिल्म सत्यकाम को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बेदी की कामयाब और अहम फिल्मों में अगर मिर्ज़ा गालिब का नाम ना लिया जाए तो ये फहरिस्त अधूरी मानी जाएगी। असल में ये कहानी, मिर्ज़ा गालिब की जो कहानी थी वो मंटो ने लिखी थी, लेकिन चूंकि जब मंटो पाकिस्तान चले गए तो ये काम अधूरा रह गया, मुकम्मल नहीं हो सका। तो मंटो ने उसकी कहानी लिखी और बेदी ने इस फिल्म के लिए यादगार मुकालमे लिखे।
इस फिल्म के मरकजी किरदार भारत भूषण और हीरोइन का किरदार मशहूर अदाकारा और गुलकारा सुरैया ने निभाया था और फिल्म के गाने भी सुरैया ने गाए थे। इस फिल्म में मिर्ज़ा गालिब की कई गज़लों को बतौर नगमा लिया गया था, जैसे उनकी एक बड़ी मशहूर गज़ल है, आ को चाहिए एक उम्र असर होने तक, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, नुक्ताची हैं गमे दिल उसको सुनाए न बने। तो ये कुछ गालिब की गज़लें थीं जो उस फिल्म में, मिर्ज़ा गालिब वाली फिल्म में, ये उनकी गज़लों को बतौर नगमा उसमें लिया गया था। अच्छा, ये तो कुछ उन फिल्मों के नाम हुए जिन्होंने जिनमें बेदी ने मुकालमे लिखे या मंजर लिखे और वो फिल्में कामयाब हो गईं, लेकिन बेदी ने कुछ फिल्में ऐसी भी की जो नाकाम रही हैं। बेदी को फिल्मी दुनिया में नाकामी का भी मुंह देखना पड़ा है। उनकी और कमाल की बात यह कि खुद उनके शाहकार अफसानों पे वो फिल्में बनी थी। मिसाल के तौर पर एक फागुन फिल्म थी, दूसरी रंगोली और एक गर्म कोट उनका बड़ा मशहूर अफसाना है। ये सारी फिल्में उनकी एक तरह से नाकाम फिल्में रही थी। 1962 में फिल्म रंगोली मंजरे आम पर आई, वो नाकाम रही। ये फिल्म बेदी और अमर कुमार के माली इश्तराक से बनी थी। इसी तरह से 1973 में उनकी एक और फिल्म फागुन मंजरे आम पर आई, वो भी नाकाम रही। इसमें खुद बेदी ने हिदायतकारी की थी। ये फिल्म फनी और कमर्शियल हर दो लिहाज से नाकाम साबित हुई थी। अच्छा, इन दो फिल्मों के नाकामी के बाद चूंकि मुतवातिर माली खसारा हो रहा था, तो बेदी ने जो फिर वापसी की है फिल्म मैदान में, वो ज़रा ठहर करके किया है। 1970 में आप देखें कि उन्होंने ड्रामों के एक का उनका मजमूआ है सात खेल, उसमें एक ड्रामा है नकले मकानी। उस नकले मकानी नाम के ड्रामे को दस्तक के नाम से फिल्माया और ख़ुद हिदायतकारी के फ़रायज़ अंजाम दिए। संजीव कुमार और रेहाना सुल्ताना ने मरकजी रोल इसमें निभाया है। ये फिल्म कमर्शियल एतबार से बहुत सक्सेसफुल रही और फ़नी एतबार से उसमें तहय्युर आमेज़ और एक्सपेरिमेंटल ये फिल्म साबित हुई थी। संजीव कुमार और रेहाना सुल्ताना को नेशनल अवार्ड मिले हैं इस फिल्म के लिए। मदन मोहन जो इस फिल्म के मौसीकार थे, उन्हें इस साल का बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। लेकिन इसका ट्रेजिक पहलू भी रहा है इस फिल्म का, कि उन्हें बेदी को फनकाराना हैसियत से तस्लीम नहीं किया दस्तक की वजह से, जबकि दूसरे जो फिल्मी दुनिया के लोग थे, मतलब खुद डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी थे और दूसरे ख्वाजा अहमद अब्बास और यूसुफ खान वगैरह, ये सब मानते थे कि इनमें इन दानिशों का ख्याल था कि हिदायतकारी और फिल्म फिक्र अंग्रेज़ी के ख्याल से ये फिल्म साजी की तारीख में बड़ा अहम कारनामा है। फिल्म दस्तक के बाद से उन्हें एक संजीदा फिल्म साज के तौर पर लोगों ने पहचानना शुरू किया और इसी साल उनकी उनकी जो फिल्मी खिदमात थी उनके एतराफ़ में उन्हें पद्मश्री इनाम से नवाजा गया। 1978 में बेदी ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी फिल्म आखन देखी बनाई, लेकिन ये आने से पहले ही ये फिल्म बेदी की ज़िंदगी में मंजर आम पर नहीं आई, उनके जाने के बाद आई। और उनका एक मशहूर नावल भी है, नावल जिसे हम कहते हैं एक चादर मैली सी, उसका शुमार भी अदब के बेहतरीन नावलों में होता है। और मशहूर ज़माना हीरोइन जो गीता बाली हैं, वो उस नावल को इतना पसंद किया कि खुद पैसा लगा करके उसमें हीरोइन का किरदार निभाकर बनाना चाहती थी। फिल्म शुरू भी हुई थी लेकिन और फिल्म का नाम जो है रानो रखा, लेकिन ज़िंदगी ने वफा नहीं किया और ये ख्वाब एक तरह से पूरा नहीं हुआ। बाद में एक चादर मैली सी ही जो कहानी थी, जो नावल है, उसको पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा संगीता ने जो है मुट्ठी भर चावल के नाम से वो फिल्म बनाई। फिल्म का बेशतर हिस्सा तो वही है, मतलब मुकालबे भी वही हैं, आप देखें कहानी भी वही है। कहानी के आखिर हिस्से में थोड़ी बहुत तब्दीलियां की गई हैं और ड्रामा उसे ड्रामेटाइज कर दिया गया है। तो ये कि फिल्म बड़ी कामयाब रही, तो इस तरह देखते हैं कि बेदी ने अपनी 29 साल ज़िंदगी में जो फिल्म की वाबस्ती का जो ज़माना रहा है, उसमें तकरीबन 40 फिल्मों के लिए मुकालमे लिखे हैं और 20 से ज़्यादा फिल्मों के लिए मंजरनामे तहरीर किए हैं। तो गोया ये एक खाका था इजमाली बेदी कामयाब फिल्मों का, बेदी की नाकाम फिल्मों का, और फिर यह कि किस तरह से उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना मकाम मर्तबा हासिल किया।
तो इब्तदाई ज़िंदगी के कुछ अहवाल के साथ साथ उनकी जो एक वाबस्तगी थी वो हमने अभी तक देखी। अब तख्लीकात की सतह पर यह हमें मालूम होना चाहिए कि बेदी ने वो क्या क्या तख्लीकात पेश की हैं अफसानवी। अगर उनका एक इजमाली खाका हमारे सामने हो कि वो कौन कौन से मजमूए थे और उनमें उनमें क्या क्या कहानियाँ थीं, तो हमें यह अंदाज़ा होगा कि बेदी जो है वो किस पाए के अफसाना निगार थे और किस पाए का उनका काम था। तो उनके कुछ अफसानवी मजमूए इस तरह थे। एक अफसाना उनका 1936 में, जो कि सबसे पहला अफसाना अफसानवी मजमूआ है, दानाओ दाम, 1936 में शाया हुआ मकतबा उर्दू लाहौर से, और इसमें कुल 14 अफसाने हैं और उन अफसानों के अनावीन इस तरह हैं। भोला, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि 1933 में भोला शाया हुआ था, ये पहली कहानी थी, लेकिन हम मजमूए की बात कर रहे हैं। अफसाना उन्होंने भोला पहला लिखा जो 1933 में शाया हुआ, लेकिन अफसानवी मजमू के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि दाना व दाम पहला अफसानवी मजमू है जो कि 1936 में शाया हुआ, और इसमें जो 14 अफसाने थे वो इस तरह हैं। भोला, हमदोश, मन की मन में, गर्म कोट, छोकरी की लूट, पान शाप, मंगल अष्टिका, क्वारंटिन, तिलादान, 10 मिनट की बारिश, हयाती, लक्ष्मण, रद्दे अमल, मौत का राज, ये 14 अफसाने दाना और दाम में जो उनके उनका पहला अफसानवी मजमुआ है, ये अफसाने शामिल हैं। दूसरा अफसानवी मजमुआ 1942 में आया, यानी कि 36 में पहला आया, फिर दूसरा मजमुआ 42 में, इसमें भी 14 अफसाने आपको नज़र आते हैं, और यह शाया हुआ था नया इदारा लाहौर से। इसमें जो 14 अफसाने हैं वो ग्रहण है, रहमान के जूते, बुकी, अगवा, गुलामी, हड्डियाँ और फूल, जैनुल आबिदीन, लार्वे, घर में बाजार में, दूसरा किनारा, आलू, मुआविन और मैं, चेचक के दाग, एवालांश, ये 14 अफसाने हैं जो ग्रहण के नाम से जो अफसानवी मजमूआ है उसमें हमें मिलते हैं। तीसरा अफसानवी मजमूआ बेदी का कोक चली है, जो 1949 में आया, और इसमें 13 अफसाने शामिल हैं, और ये कुतुब पब्लिशर्स मुंबई से शाया हुआ था। इसमें जो 13 अफसाने हैं वो इस तरह हैं: लम्स, कोक जली, बेकार खुदा, नामुराद, मुहाजरीन, कश्मकश, जब मैं छोटा था, एक औरत, टर्मिनेंस, गाली, खत्ते मुस्तकीम और कौसैन, माँ सेवा और आग। तो ये तीसरा मजमूआ जिसमें 13 अफसाने थे, कोकजली के नाम से है, 1949 में आया था। अपने दुख मुझे दे दो बेदी का एक अहम अफसाना इस नाम से है, और जो इसी मजमूए में शामिल है, और इसी नाम से उनका एक अफसानवी मजमूआ भी है जो 1965 में मकतबा जामिया नई दिल्ली से छपा था, और इसमें 9 अफसाने हैं: लाजवंती, जोगिया, बब्बल, लंबी लड़की, अपने दुख मुझे दे दो, इसी अफसाने के नाम पर अफसानी मजमूए का पूरा नाम रखा गया है, टर्मिनस से परे, हजाम इलाहाबाद के, दीवाला, यूकलिप्टस। तो चौथा यह अफसानवी मजमूआ था, अपने दुख मुझे दे दो। पांचवा अफसानवी मजमूआ है बेदी का हाथ हमारे कलम हुए, ये 1974 में शाया हुआ था, मकतबा जामिया से छाया हुआ था, और इसमें कुल 9 अफसाने मिलते हैं। इन अफसानों की फहरिस्त यह है: सिर्फ एक सिगरेट, कल्याणी, मिथुन, बारी का बुखार, सौनफिया, वो बुढ़ा, जनाजा कहाँ है, तातुल, आईने के सामने, ये 9 अफसाने हैं जो हाथ हमारे कलम हुए बेदी के अफसानवी मजमूए में शामिल हैं। छठा अफसानवी मजमूआ मुक्ति बोध है, 1982 में मकतबा जामिया से ही ये अफसानवी मजमूआ छपा था, इसमें 5 अफसाने हैं। मुक्ति बोध इसी नाम से एक अफसाना भी है, और इसी नाम से अफसानवी मजमूआ भी है। एक बाप बिकाऊ है, चश्मे बद्दूर, बोलो, बिल्ली का बच्चा।
ये तो अफसानवी मजमूए, छः अफसानवी मजमूए हो गए। हाथ हमारे कलम हुए, मुक्ति बोध, अपने दुख मुझे दे दो, दाना ओ दाम, ठीक है, इस तरह से उनके कोकजली और गरहन, ये सब उनके अफसानवी मजमूए हैं। लेकिन उन्होंने जो ड्रामे लिखे, उन ड्रामों को भी उन्होंने एक सात खेल नाम का, खेल जानते हैं आप, तमाशा ड्रामा हम कहते हैं, उस हिसाब से उस पे चूंकि सात ड्रामे थे तो इसलिए उसका नाम सात खेल रखा। जाहिर है कि इस नाम की मुनासिबत से अगर आप इसको ऐसे याद रखें कि खेल ड्रामे को कहते हैं, तो आपको ये आसानी होगी याद करने में कि ये ड्रामों का मजमुआ है और इसमें सात ड्रामे हैं। उन सातों ड्रामों के नाम ये हैं: ख्वाजा सरा, चाणक्या, तलछट, नकले मकानी, आज, रक्षंदा, एक औरत की ना। तो आपने देखा कि नकले मकानी, ये वही नकले मकानी है ड्रामा जिसका मैंने अभी जिक्र किया आपसे, कि बेदी ने इस ड्रामे को फिल्म की शक्ल दी और दस्तक के नाम से इस ड्रामे को फिल्म की शक्ल देते हुए बनाया था, जो कि बहुत कामयाब फिल्म थी। तो गोया हमने देखा कि बेदी की जो ज़िंदगी है वो न सिर्फ ये कि उन्होंने बचपन में जो कुछ सीखा, माँ के पास जो किस्से कहानियाँ सुनाए जाते थे, जो कहानियाँ सुनाई जाती थी, जो किस्से पढ़े जाते थे, या फिर मज़हबी एतबार से जो चीज़ें गीता का पाठ हो रहा है या रामायण का पाठ हो रहा है, उससे उनके शऊर को बालिदा होने में, उनकी फ़िक्र को एक तरह से पुख्तगी देने में कितना रोल है, कि हमने ये देखा कि उन्होंने छः अफसानवी मजमूए भी छोड़े हैं और सातवां एक जो है मजमूआ है वो ड्रामों का मजमूआ है। तो गोया उनकी, अब इसमें मैं सारे वो हिस्से हटा रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ फिल्मों में जो उन्होंने लिखे हैं, हालांकि उसकी एक तफसील मैंने आपके सामने रखी है, उससे आपको ये है कि इस बात का अंदाज़ा होगा कि एक शख्स जो सिर्फ अफसाना निगार नहीं है बल्कि वो ड्रामे भी लिख रहा है, उसकी ज़िंदगी का एक पहलू ये है कि वो फिल्मी दुनिया से ऐसा वाबस्ता है कि उसमें जो मुकालमे वो लिख रहा है, जो मंजर वो तख्लीक कर रहा है, उसमें भी अदबियत को वो नहीं छोड़ता है। उसका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से है, वो सिगरेट ही मुंतखब हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद तरक्की पसंद तहरीक में जो शोर होगा था उससे वो अपना दामन बचा ले जाता है। बिल्कुल वो फैज़ की तरह, बल्कि वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता होने के बावजूद के बाद उनके यहाँ और धीमापन हमें दिखाई देता है। ऐसा मालूम होता है कि वो उस चीज़ को अपने अंदर जज्ब करके बिल्कुल एक नई शक्ल में हमारे सामने पेश करना चाहते हैं, और वो ये जानते हैं कि उनका सारा और पहला और जो बुनियादी रिश्ता है वो इंसान से रिश्ता है। इंसान के दुख को वो देखते हैं और उस दुख में खुद भी शरीक होते हैं और दूसरों को भी शरीक करने की कोशिश करते हैं। तो हमने उनकी तख्लीकात के का एक इजमाली जायज़ा, एक तरह से जाहिर है कि हमने उनके मजमुओं के बारे में कुछ बात की। उन अफसानवी मजमुओं में जो कहानियाँ दर्ज थीं, जो कहानियाँ हैं, उन कहानियों का का जिक्र किया, वो फहरिस्त भी हमने आपको सुना दी। तो अब यह आपके सामने एक राजेंद्र सिंह बेदी का एक इजमाली नक्शा, एक इजमाली खाका आपके सामने तैयार हो गया है। अब इसकी बुनियाद पर हम आगे उनको ये समझेंगे कि उनकी अफसाना निगारी के अंदर वो क्या मौजूद थे, वो कौन से मौजूद थे जिन्हें उन्होंने अपनी अफसाना निगारी के ज़रिए से बयान किया है। आज हम बात कर रहे हैं राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों के बारे में, और हमने कुछ तफसील बताई उनकी उनके अवायल ज़िंदगी के बारे में, कि वो किस तरह से उन्होंने कहना चाहिए उनकी तालीमी ज़िंदगी का जो आगाज़ होता है वो किस तरह से होता है, वो हमने देखा कि वो अपनी माँ के पास बैठे हुए हैं और वहाँ पर चूँकि वालदा बीमार हैं तो वालिद साहब नावल पढ़ते हैं, किस्से कहानियाँ पढ़ते हैं दिल बहलाने के लिए, और इस तरह से उनकी कहना चाहिए उनकी तरबियत का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे लिखने पढ़ने की तरफ वो हमेशा से मायल थे। फिर चचा जो प्रेस ख़रीदते हैं उसमें कुछ किताबें हाथ आ जाती हैं 5-6 हज़ार के आसपास, उन किताबों से इस्तेफादा करते हैं, बल्कि यह है कि वो इंटरमीडिएट तक जब पहुँचते हैं तो वो सारी किताबें पढ़ चुके होते हैं, यानी 5-6 हज़ार अगर इंटरमीडिएट तक कोई पढ़ जाए तो जाहिर है कि उसके अंदर जो जहन की कुशादगी होगी, जो उसकी फिक्र जिस तरह से पुख्ता होगी, उसका अंदाज़ा हम कुछ कर सकते हैं।
तो उसके बाद फिर हमने मंटो वो बेदी के कुछ अफसानवी मजमुओं का जिक्र किया। जाहिर है कि वो एक खाका हमारे सामने आ गया। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बेदी ने अपने अफसानों में किन मौजूआत को अख्तियार किया है, या फिर ये कि उनके अफसानों के सरोकार क्या क्या हैं। सबसे पहली बात जो मैं समझता हूँ, और नाकिदीन ने माहिरीन ने लिखा है उनके अफसानों को पढ़ करके जहाँ तक समझा है, वो ये कि इंसान दोस्ती का जो फ़लसफ़ा है वो बेदी के यहाँ बिल्कुल अलग किस्म का है। दूसरी चीज़ जो दूसरा नुक्ता है बेदी के अफसानों में, वो हमें इंसान की मासूमियत का नज़र आता है। उनके मुख्तलिफ अफसाने इस बात के गवाह हैं, जिनमें हम जब तफसील से बताएंगे तो उसमें ये दिखाएंगे कि किस तरह से उनके किरदार अपनी इंसानियत को, अपनी मासूमियत को बरकरार रखते हैं, और सख्त से सख्त कहानी के दरमियान भी वो अपनी मासूमियत को भूलते नहीं हैं। तीसरा पहलू या तीसरा कहना चाहिए कि सिरा जिसके ज़रिए से हम बेदी के अफसानों को समझ सकते हैं, वो है मुख्तलिफ इंसानी रिश्तों का जिक्र। वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, और इंसानी रिश्तों का जब जिक्र होता है तो उसमें नफ्सियात का कहीं ना कहीं हमें जिक्र आ जाता है उसमें। तो बेदी के यहाँ रिश्तों के जिक्र के साथ साथ नफ्सियात का एक बहुत बड़ा रोल है उनके अफसानों में। और इसके अलावा मुआशरती मसाइल और तारीख़ी हकायक का जो बयान है उनके यहाँ, वो हमें नज़र आता है। तो इन चार पांच पांच नुक्तों में और पहलुओं के हवाले से हम बेदी के अफसानों को समझने की कोशिश करेंगे, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि बेदी ने अपने अफसानों में इन मौजूआत को कैसे बरता है। इंसान दोस्ती का जो मसला है वो ये है कि बेदी का जो ह्यूमनिज़म है, वो जो सेकुलर नुक्ता नज़र है, जो मज़हब को समझता है कि भाई मज़हब में जादू है, वो अफ्यून है, और मशीनी तहजीब से भी वो बेजार है, सेकुलर रिवायत के उसमें जबर है, तो बेदी का जो ह्यूमनिज्म है इससे ज़रा अलग है। जो सेकुलर नुक्ता नज़र है ह्यूमनिज्म का, उससे अलग है। वो क्या कहते हैं कि इंसान के जो रूहानी मामलात हैं, जो मामूलात हैं, उनका मुताला भी बहुत गहराई से करते हैं। मार्क्सिज्म से बेदी को क्या हुआ कि जो रजत पसंदाना वसवसे थे और वाहमे थे, उसने मार्क्सिज्म ने वहाँ से उनको निकाल दिया और मादी तारीख के शफाफ रोशनी में समझने की वो कर दी, उनको एक राह दिखाई बेदी को। बेदी यहाँ रुक नहीं गए, यानी वो जब सामने आगे बढ़े तो, यानी जो मार्क्सिज्म का मादी तसव्वुर था, उस मादी तसव्वुर पर ही वो रुके नहीं, बल्कि वो और आगे बढ़े और अपनी ज़हनी काविश से इस बात का पता लगाया कि इंसान के जो अनगिनत मालूम और नामालूम रिश्ते हैं और जो जज्बे हैं, उनसे भी हमारे रवैये बदलते हैं और हमारी जो इंसान दोस्ती का वो नज़रिया है वो भी फलता फूलता है। तो गोया एक तरह से उन्होंने इंसानी वजूद की जो पुरसरार गहराइयों का एक तरह से सुराग लगाया है। तो बेदी की जो इंसान दोस्ती है, उसकी जो मंजिल है, उसका जो नसबुल आयन है, वो क्या है कि इस्तेहसाल से पाक एक ऐसे मुआशरे का क़याम है जो जहनी और आसाबी तौर पर एक सेहतमंद इंसानी और तवाना सेहतमंद इंसान और तवाना इंसानी कदरों को फलता फूलता देख सके, उसे जन्म दे सके। ये जो तसव्वुर आपके सामने पेश हुआ कि वो इंसान दोस्ती का जो उनका नसबुल आयन है, वो इस्तेहसाल से पाक एक ऐसे मुआशरे का ख्वाब देखते हैं जिसमें जहनी और आसाबी तौर पर एक सेहतमंद इंसान और तवाना इंसानी कदरों को फ्लोरिश किया जा सके, वो ऐसी कौन सी कहानियां हैं बेदी की जिनमें इन बातों का हमें के नकूश मिलते हैं। तो आप देखिए कि उनकी कहानी लाजवंती है, ट्रेमेंस से परे है, अपने दुख मुझे दे दो, और तातुल इस ज़िम्न में आप ख़ास तौर पर इन कहानियों का जिक्र कर सकते हैं। बेदी की जो इंसान दोस्ती है उसमें क्या है कि इश्तराकी इंसान दोस्ती की कदरें उसमें हैं, लेकिन उसमें इनफरादियत भी है। वो ये कि
बेदी का जो नज़रिया है वो एक बहुत ही बैलेंस्ड और खुशाहंग जो मरफ़हाल ज़िंदगी के लिए स्ट्रगल है, एक पुरासाइश ज़िंदगी की जो लड़ाई है उसको सिर्फ वो क्लास के पर्सपेक्टिव में नहीं देखते, तबकाती तनाजुर में नहीं देखते, बल्कि वो इंसान की जो बातनी और रूहानी आवेजिशों के नित नया वामिल है उसके आईने में भी उसका मुताला करते हैं। तो इंसान दोस्ती वहाँ पे इंसान इश्तराकी इंसान दोस्ती कदरें तो हैं ही बेदी के यहाँ, लेकिन इसके साथ साथ वो तबकाती तनाजुर से ऊपर उठ करके भी कहते हैं कि फ़र्द की जो बातिन की ज़िंदगी है और उसका जो कहना चाहिए कि इनसाइड और उसका जो स्पिरिचुअल कन्फ्रंटेशन है उसके ज़रिए से जो एक उत्थान होता है आदमी का, उसकी इंसान की शख्सियत में जो निखार पैदा होता है उसको भी वो मुताले में रखते हैं। तो गोया इंसान की हम जहत तरक्की बेदी के तसव्वुर ज़ीस्त का माहसल है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट बेदी के तसव्वुर जो इंसान दोस्ती का तसव्वुर है उसमें वो ओवरऑल डेवलपमेंट को ही असल मानते हैं और कहते हैं कि इंसान क्या ह्यूमनिज्म उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा, मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो ये के तबकात से तबकात को तो नज़र में रखे ही बल्कि यहीं पर वो रुक न जाए बल्कि अपनी अंदर की दुनिया को सही करे और जो इख्तलाफात हैं उसको मिटा करके वो आगे बढ़े, और साथ साथ वो रूहानी आवेजिश का भी हवाला देते हैं। तो गोया उनका जो एक तसव्वुर है यानी कि इंसान दोस्ती का वो बहुत बैलेंस्ड है और बहुत ही मुतवाज़िन है। मोहब्बत क्या है? इंसानी शख्सियत में दर्दमंदी पैदा करती है, उसमें सोज़ोगुदाज़ पैदा करती है। बेदी का आप कोई भी अफसाना पढ़ें, उनका कोई भी किरदार ये उनसे जो है ये दर्दमंदी वसूल कर लेता है। आप देखें कि वो संत राम हो या पाल हो, लाजवंती का सुंदर लाल हो या लाजो हो, इंदु हो अपने दुख मुझे दे दो की जो कैरेक्टर है फीमेल कैरेक्टर, इंदु हो या मदन हो उसी कहानी का जो मेल कैरेक्टर है और उसके पिताजी हों, रूपा हो या उसका भाई हो, बेदी उनके दर्द को अच्छी तरह समझते हैं। दीवाला एक बड़ी अच्छी कहानी है बेदी की, गरचे वो रूपा की कहानी है लेकिन किसी न किसी गोशे से किसी न किसी हवाले से भाभी पर भी वो रोशनी डाल देते हैं। हर चंद वो किस्सा गो है लेकिन उसके कर्ब को हर लम्हा वो महसूस कर रहे हैं, वो अपने किरदारों के लिए रोते भी हैं हंसते भी हैं। तो बेदी के अफसानों को पढ़ करके हमें इंसान और इंसानियत के बारे में जो हमारा एतमाद है वो मजबूत होता है, उसमें इजाफा ही होता है, वो घटता नहीं है। छोटी छोटी जो लग्जिशें होती हैं ज़िंदगी की वो हमें ज़िंदगी का एक हिस्सा मालूम होती है और उनके साथ ज़िंदगी और ज़िंदगी करना हमें असल मानों में हयात का फ़लसफ़ा सिखाती है। बेदी कभी कभी महज एक जुमले से ही हमारे दिल दिमाग को अपने अपना असीर कर लेते हैं। बब्बल उनकी बड़ी मशहूर कहानी है, बब्बल में दीदी कहती है कि हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ, माँ होना और अक्ल रखना अलग बातें हैं। अब देखिए ये बहुत ही सादा सा जुमला है लेकिन हम इस जुमले की गहराइयों में खोस जाते हैं, कारी इनको महसूस करता है। यानी माँ होना और अक्ल की बातें करना यानी कि माँ होगी तो वो जज्बे से सोचेगी अक्ल से नहीं सोचेगी। बेदी के अफसानों का एक अहम मौजू जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि इंसान दोस्ती के बाद जो दूसरा पहलू है बेदी के अफसानों को समझने का वो है इंसान की मासूमियत। ये मासूमियत लाजवंती के किरदार में मौजूद है। वो लाजवंती जो किरदार है जो अफसाना है वो मौगवी औरत की कहानी है, तकसीम और फसाद के मौके पर जब औरतें अगवा हो रही हैं उसमें लाजवंती भी है जो अगवा होकर के वो पाकिस्तान चली जाती है, फिर वो जब तहरीकें शुरू होती हैं वापसी की और वो फिर जब वापस आती है तो वो क्या होता है कि जो सुंदर लाल है उसका हस्बैंड उसका शौहर वो उसे मारता नहीं है, पहले वो मारता था बाद में वो मारता नहीं है। तो मासूमियत देखिए कि लाजवंती के किरदार में मौजूद है, वो देवी बनने के बजाय मार खाने को बेहतर समझती है कि उसका जो सुंदर लाल जो शौहर है वो कहती है लाजवंती कि अब तो मारोगे नहीं, तो वो कहता है कि नहीं नहीं देवी अब नहीं मारूंगा।
तो वो देवी बनने के बजाय मार खाने को बेहतर समझती है। वो कहती है कि वो मुझे मारता नहीं था जहाँ मैं थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे उससे डर लगता था, और तुम मुझे मारते थे उसके बावजूद तुमसे मुझे डर नहीं लगता था। तो मार खाने को बेहतर समझती है, यानी उसकी देखिए मासूमियत। आमतौर पर आप देखेंगे कि नकीबुद्दीन ने बेदी के निस्वानी किरदारों का तजज़िया किया है और इंसानी मासूमियत की जो तफहीम की वो एक कोशिश की है। भोला शुरू की कहानी से बब्बल की कहानी तक, गरहन अगवा छोकरी की लूट, कोक जली गर्म कोट, 10 मिनट की बारिश घर में, लंबी लड़की और जोगिया में, रंगोली और दस्तक में, और बिलाखिर एक चादर मैली सी में, औरत मरकजी किरदार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने और निस्वानी किरदारों में ही मासूमियत को देखा है, बल्कि उनकी कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जिसमें वो मेल किरदारों को, मर्द किरदारों को भी, मर्द किरदारों के अंदर जो मासूमियत है उसको भी वो उजागर करते हैं। एक बड़ी मशहूर कहानी है उनकी, पान शॉप में थारू का किरदार है। थारू एक फोटोग्राफर है, उसने बहुत मेहनत से एक स्टूडियो बनाया है, साथ ही साथ वो ऐनकों की तजारत भी करता है। जिस बाज़ार में थारू का फोटोग्राफी का स्टूडियो है, उसी बाज़ार में स्टूडियो के सामने एक पान शॉप है। उसका मालिक दूसरों का माल जो है रहन रखता है और सूद पर पैसे देता है। वो बहुत चालाक है, वो बहुत होशियार है, और दुकानदारी के हेर फेर से भी वो अच्छी तरह से वाकिफ है। माल छुड़ाने के लिए वो ऐसी तारीख देता है कि माल रहन रखने वाला आसानी से उस तारीख तक पैसा फराहम न कर सके। तो यहाँ पर भी थारू के किरदार में हमें मासूमियत दिखाई देती है। आप पूरा अफसाना पढ़ेंगे तो आपको बहुत साफ तरीके पर दिखेगा कि थारू किस तरह से मासूमियत का शिकार होता है, और वो जो पान शॉप का जो ऑनर है, जो मालिक है, वो किस तरह से अपनी सूद वाली जो ज़हनियत है उसकी काम करती है, और उसको ऐसी तारीख बताता है कि जिसमें वो पैसे, जो रहन रखा हुआ है सामान उसके अगेंस्ट में, जो उसने लोन ले रखा है पैसा, वो उसको वापस ना कर सके। ग्रहण सख्त कहानी है, इसमें इंसान की फितरी मासूमियत मौजूद है, लेकिन इस मासूमियत के बावजूद होली रसीला को छोड़कर भाग जाने के लिए मजबूर हो गई है। चांद ग्रहण पर औरतें, मर्द, बच्चे सब दान पुण्य करते हैं, स्नान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। अब आप देखिए कि ये जो देवमालाई पस मंज़र है, इसमें होली के किरदार को बेदी ने उभारा है, और इस किरदार के सामने आते ही वो सारा जो देवमालाई जो रस्में हो रही हैं वो सब पस मंज़र में चली जाती हैं, जो एक अलामत के तौर पर होली के लिए काम कर रही थी। स्टीमर लॉन्च का अमला है, होली का शौहर है, उसके घर वाले हैं, उस चांद रानी के लिए राहु और केतु का काम करते हैं। केतु राम भी वही कर रहा है, जब स्टीमर पर वो चढ़ती है तो उसके गांव का एक जो उसमें किरदार दिखाया है कहानी में, ग्रहण में, केतु राम वो भी वही काम कर रहा है कि उनसे जो स्टीमर पर जो लोग, जो अमला बैठा है और जो हवसनाकी की नज़र से उसे देख रहा है, उनसे वो बचा करके ले सराय में ले जाता है, और फिर वहाँ उसकी इस्मत तार तार करता है। तो वहाँ से वो होली भागती है, शंख बज रहे हैं, एक औरत सराय से निकल कर भागती है। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब चांद पूरी तरह गहना चुका है, चारों तरफ तारीकी है। ग्रहण में भी औरत की फितरी मासूमियत, समाजी एतमार से मर्द का समाज में हावी होना, और औरत को अपनी हवस का शिकार बनाना बेदी ने पेश किया है। तो गोया इंसान की मासूमियत को आपने बेदी के यहाँ देखा। दूसरी चीज़ ये कि इंसान दोस्ती का जो तसव्वुर बेदी ने अपने अफसानों में पेश किया है उसका जिक्र हुआ। एक तीसरी चीज़ है कि वो अपने अफसानों में मुख्तलिफ इंसानी रिश्तों का भी जिक्र करते हैं, माँ, भाई, बहन, दादा, नाना, पड़ोसी, सहेली, दोस्त, नवासा, पोता वगैरह, चाहे जितने आप नए नाम ले लें, जितने रिश्तों का जिक्र करें, वो एक आम जिंदगी को पेश करते हैं। और आम जिंदगी में जिस तरह के रिश्ते हमारे सामने होते हैं उसमें उनको बेदी पेश कर रहे हैं। आमतौर पर बच्चों के अदब में बच्चों के किरदार पेश किए जाते हैं, लेकिन बेदी ने कमसिन किरदार भी अपनी कहानियों में पेश किए हैं। भोला में भोले का किरदार का जिक्र है,
एक मुकालमा है कि बाबा परसों मामू जी आएंगे ना। मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया, उसके सुर्ख गालों पर प्यार की मुहर सबत कर दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। उसके इस जवाब से हमें उसकी उम्र के बारे में भी पता चलता है और ये भी पता चलता है कि उसको ये तक नहीं मालूम है कि जो रिश्ता जिसको वो सिर्फ मामू कह रहा है उसकी माँ के वो भाई होंगे। तो गोया यहाँ उसकी मासूमियत है उस बच्चे की। तो बेदी के आईने खाने में फ़र्द अपने सही रूप में नज़र आता है। उसका बातिन लफ्ज़ों और जुमलों के सहारे बेदी के अफसानों में अपनी नफ्सियात, अपने जहनी कर्ब, अपनी अच्छाई और बुराई सब के साथ सामने हाजिर होता है। अफसाना कोई केस हिस्ट्री नहीं होता, बल्कि फ़र्द और समाज के रिश्ते को पेश करने का एक मीडियम है। डॉक्टर मोहम्मद हसन का ये तज़िया दुरुस्त है कि बेदी के अफसानों का रंगो आहंग ओ हेनरी और चेखोफ के दरमियान का है। ओ हेनरी की कहानियों की तरह बेदी की कहानियाँ महज तंजिया या मजाहिया मोड़ पर ख़त्म नहीं होती। चेखोफ किसी फ़िक्र आलूद और फ़िक्र अंग्रेज़ फ़ज़ा और लतीफ़ एहसास के मरगोले उनकी कहानियों के ख़त्म पर कारी को देर तक घेरे में रखते हैं। बिल्कुल पहला उनका जो अफसानवी मजमूआ है दाना और दाम, उसकी कहानियों में ज़िंदगी वो सच्चाइयाँ हमें मिलती हैं जिनमें नफ्सियाती हकायक हैं। बच्चों की नफ्सियात हैं, बूढ़ों की नफ्सियात हैं, उस चिड़चिड़े चमार की नफ्सियात भी हैं जो बीवी से बेपनाह अख्तियार करता है, बेपनाह प्यार करता है और उसके इंतज़ार में बेचैन रहता है, और जब वो आ जाती है तो इसी वजह से उसका भीड़ में किसी मर्द से टकरा जाना भी उसे गवारा नहीं होता। अस्पतालों के मरीजों की नफ्सियात भी बेदी की निगाह में है। तो इन किरदारों में, इन कहानियों में जो किरदार हमारे सामने आते हैं वो हमारी आम जिंदगी किरदार हैं। उनके अंदर वही सारी खसूसियात हमें नज़र आती हैं जो हम आम लोगों में देखते हैं। ग्रहण से बेदी के यहाँ एक नया मोड़ शुरू होता है और वो नया मोड़ है जिंस की नफ्सियात का। इसका लोगों ने खूब जिक्र किया है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि बेदी की बेशतर कहानियाँ घरेलू जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती नज़र आती हैं। उनके यहाँ जिंस का जो बयान है वो दूसरे अफसाना निगारों से मुख्तलिफ है, क्योंकि उनका जिंस का जो बयान है बेदी के यहाँ वो ज़िमनी हैसियत का है। मंटो और बेदी दोनों ने ही औरतों के लिए अफसाने लिखे हैं और दोनों में एक फ़र्क है, और वो फ़र्क यह है कि बेदी के यहाँ जो औरत है वो मुकम्मल तौर पर माँ है। वो शायद हिंदू देवमाला से मुतासिर है जहाँ औरत माँ की अलामत होती है। वो अपने शौहर को भी उसी प्यार से देखती है जिस प्यार से अपने बच्चे को देखती है। आम जिंदगी, आम रिश्ते उनके अफसानों का मौजू हैं, मगर उनमें ऐसी ताकत और ऐसी तवानाई जिंदगी और ताबिंदगी है कि जहन में रोशनी हो जाती है। आलम सरूर ने ये बहुत सही लिखा कि जो है बेदी के यहाँ उस्तूर साजी और जिंस की वाकई अहमियत है, मगर इससे ज़्यादा अहमियत जिंदगी के विजन की है। बेदी ने हकीकत को बेनकाब देखने की कोशिश की है, और ये बात भी है कि वो इस हकीकत को बयान करते वक्त जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो भूलते नहीं हैं। गोया एक तरह से बेदी ने उर्दू अफसाने को पूरा आदमी दिया है जो बहुत पस्त और बहुत बुलंद है, लेकिन जिसका इल्म इसलिए ज़रूरी है कि आदमी अपनी आदमियत और इंसानियत दोनों का इल्म हासिल कर सके, उसका इरफान हासिल कर सके। बेदी इंसानी नफ्सियात का बेहतरीन मुताला पेश करते हैं। ज़िंदगी की छोटी छोटी मसरतें दुनिया की दौलत से बाला तर हैं, और ये मसरतें बेदी के अफसानों में कुछ इस तरह से नज़र आती हैं कि हमारी आंखों में आंसू डबडबाने लगते हैं और हम जिंदगी की हकीकतों को उसकी तह तक जाकर दरियाफ्त कर लेते हैं। बेदी ने
مشاہدے اور غور و فکر دونوں سے بڑا کام لیا ہے. وہ اپنے کردار جو ہیں ان کے اس کی روح میں وہ بس جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی روح ان میں حلول کر گئی ہے. اسی لیے انہیں علیحدہ سے کوئی تقریر نہیں کرنا پڑتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی پسند نظریات سے متاثر ہوئے لیکن ان کے اسیر نہیں ہوئے. انجمن ترقی پسند مصنفین کے سیکرٹری منتخب ہوئے تھے لیکن اس وابستگی نے ان کے ہاں کوئی اثر نہیں دکھایا, بلکہ ان کے افسانوں کا لہجہ اور بھی دھیما ہو گیا. سماجی حقیقت نگاری کا تو کبھی فقدان ان کے ہاں رہا ہی نہیں, لیکن وہ اس کے ڈھنڈورچی نہیں رہے. انہوں نے زندگی کو بلا وجہ خانوں میں تقسیم نہیں کیا, بلکہ زندگی کو عام سطح سے اوپر اٹھ کر کے ذرا بلندی سے دیکھا. یہ حقیقت ہے کہ بہت قریب سے جب آپ دیکھتے ہیں تو ویژن جو ہے وہ صاف نہیں رہتا, اور یہی بیدی کی کامیابی کا راز ہے کہ وہ ذرا سا سطح سے اوپر اٹھ کر کے بلندی سے دیکھتے ہیں تو صحیح حقیقت آشکار ہوتی ہے. غرض, بیدی نے افسانے میں پورے آدمی کو پیش کیا ہے, عام آدمی کے دکھ سکھ, اس کی الجھنیں, ازدواجی زندگی کی کشمکشیں, معمولی باتوں سے پریشان ہونا, اور بہت گہری بات, بڑے واقعے اور جھانکا صدمے کو بھی آسانی سے قابل برداشت بنا لینا ان کی افسانہ نگاری کے امتیازی پہلو. انسانی نفسیات کی تفہیم کے وسیلے سے وہ یہ کام بخوبی کرتے ہیں. پھر وہ نفسیات جوان, بوڑھے, بچے اور خواتین کی نفسیات ہوں, انہیں بھی اس معاملے کو بھی وہ حل بہت آسانی سے حل کرتے ہیں, بلکہ ان کو حل کرنے میں انہیں لطف آتا ہے. وہ اپنے افسانے کی بنیاد کسی واقعے, تجربے اور مشاہدے پر رکھتے ہیں, اور جب تک وہ مشاہدہ اور تجربہ پختہ نہیں ہو جاتا وہ اسے کاغذ کے حوالے نہیں کرتے. منٹو نے بیدی کو ایک بار ٹوکا بھی تھا کہ تم سوچتے بہت ہو, لکھنے سے پہلے سوچتے ہو, بیچ میں سوچتے ہو اور بعد میں سوچتے ہو. بیدی کا کہنا تھا کہ سکھ اور کچھ ہوں یا نہ ہوں, کاریگر اچھے ہوتے ہیں اور جو کچھ بناتے ہیں ٹھوک بجا کر اور چول سے چول بٹھا کر بناتے ہیں. بیدی نے اپنے افسانوں کو لکھتے ہوئے یہ بات ملحوظ رکھی ہے, اسی لیے ہمیں ان کے افسانوں میں انگیز کرنے کی صلاحیت زیادہ نظر آتی ہے. بہت بہت شکریہ.